कैसे हैं आप सभी? लास्ट वीडियो में हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। आज हम मोहम्मद गोरी का जो टॉपिक है हमारा, मोहम्मद गोरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी कौन थे ये देखते हैं हम। इनका नाम जो था मोहम्मद गोरी का, सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। इनका जो जन्म है वो 1449 AD में, 1449 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और जो जन्मभूमि थी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वो थी गोर। गोर जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर ये इनकी जन्मभूमि है। और जो इनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु देखेंगे वो हुई है 15 मार्च 1206 में। मृत्यु स्थान क्या था इनका? झेलम क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है, और कुछ क्षेत्र हैं इनके अफगानिस्तान या पाकिस्तान भारत के अंदर। इनकी धार्मिक मान्यता जो थी वो थी ये सुन्नी इस्लाम को मानने वाले थे। राजधानी जो थी इनकी लाहौर पाकिस्तान थी। राजघराना था गोरी। तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो थे 12वीं शताब्दी के अफगान योद्धा थे, जो गजनी साम्राज्य के अधीन गोर नामक राज्य के शासक थे। जो गजनी साम्राज्य के अधीन एक गोर राज्य था उसके शासक ये थे। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गोर के शासक बने। 1173 ईस्वी में ये गोर के शासक बने थे, जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद्र जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य स्थापित थे। उस समय भारत के जो पश्चिमी उत्तर के सीमांत पर सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी थे, उन्होंने 1173 से 1206 ईस्वी में एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्य अधिकार छीनकर नए इस्लामी राज्य की स्थापना की। उन्होंने कुछ राज्य अधिकार उनसे छीन लिए और एक नया इस्लामी राज्य बनाया। मोहम्मद गोरी बड़ा महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था। वह महमूद गजनवी की भांति ही भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था। जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, ऐसे ही गोरी भी चाहता था कि वो भी भारत पर आक्रमण करे। किंतु उसका उद्देश्य गजनवी से अलग था। गजनवी का उद्देश्य क्या था ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गजनवी का उद्देश्य तो यहाँ से धन संपदा को लूटना था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था भारत के अंदर। लेकिन गोरी का जो उद्देश्य था वो लूट मार के साथ ही साथ इस देश में मुस्लिम राज्य को भी स्थापित करना चाहते थे। उस काल में पश्चिमी पंजाब तक और दूसरी ओर जो मुल्तान है और सिंध है, मुल्तान प्रांत और सिंध प्रांत है, उन तक मुसलमानों का अधिकार था, जिसके अधिकांश भाग पर महमूद के जो वंशज थे गजनवी सरदार शासन करते थे। महमूद के कुछ वंशज थे गजनवी सरदार, वे वहाँ पर शासन करते थे। मोहम्मद गोरी को भारत के आंतरिक भाग तक पहुँचने के लिए पहले उन मुसलमान शासकों से और फिर वहाँ के वीर राजपूतों से युद्ध करना था। अगर वो आंतरिक भाग पर भारत के पहुँचना चाहता है तो पहले वे वहाँ जो मुस्लिम शासक हैं उनसे युद्ध करेगा और जो वीर राजपूत थे उनसे युद्ध करेगा, तब वह आंतरिक भागों में पहुंच सकता था। वह पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण करने का आयोजन करने लगा। उसने इन सभी बातों को ध्यान में रखा और अब युद्ध करने की तैयारी शुरू की। मोहम्मद गोरी द्वारा किए गए कुछ आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो आक्रमण उन्होंने किए, गोरी का जो प्रथम आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर उसने वहाँ पर अधिकार कर दिया। मुल्तान के जो मुसलमान थे उनको उसने हराया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। गोरी ने 1178 में दूसरा आक्रमण गुजरात पर किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित कर दिया और भारत में मोहम्मद गोरी की यह जो थी पहली पराजय थी। 1178 में उसने गुजरात पर चढ़ाई की और जो वहाँ का शासक था भीम द्वितीय उससे वह पराजित हो पड़ा। और यह मोहम्मद गोरी की जो है पहली पराजय थी, ये भीम द्वितीय से पराजित हो गए थे। सबसे पहले पराजित हुए ये भीम द्वितीय से। नेक्स्ट देखेंगे 1179 से 1186 ईस्वी के बीच पंजाब को जीत लिया इन्होंने। 1179 से 86 AD के बीच में पंजाब को विजय कर लिया। पंजाब पर इन्होंने विजय प्राप्त की और 1179 में ही इन्होंने सियालकोट पर भी अधिकार कर लिया। अब गोरी ने लाहौर, सियालकोट और भटिंडा जो तबर हिंद में है उसको भी जीत लिया था। इनका जो
इनकी जो विजय थी, जो इनके युद्ध आते हैं, इम्पोर्टेंट जो युद्ध है वो है त्राइन के युद्ध, प्रथम और द्वितीय दो युद्ध हुए थे त्राइन के, एक तो 1191 ईस्वी में हुआ और दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ। तो हम त्राइन के युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज तृतीय से ये हार जाते हैं। और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, गौरी ने, अब इस वाले युद्ध में क्या हुआ कि गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर और दिल्ली के क्षेत्रों को जीत लिया। इसी के साथ जो चौहान वंश था, साम्राज्य था चौहानों का, वो उसका नाश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब जो 1191 में त्राइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने दिल्ली के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उन्हें पराजित किया था, राजपूत शासक थे। मोहम्मद गोरी की यह दूसरी पराजय थी, पहली पराजय हमने देखी और अब ये हमारी दूसरी, ये इनकी जो है दूसरी पराजय होती है, ये दूसरी बार यहाँ पर हार जाते हैं पृथ्वीराज तृतीय से। और 92 में जब ये पूरी तैयारी के साथ आते हैं और त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं, इसी विजय के उपरांत में क्या होता है कि दिल्ली में गौड़ साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। दिल्ली में गौड़ साम्राज्य की स्थापना होगी, गौरी का साम्राज्य स्थापित हो चुका। और त्राइन के युद्ध के बाद ही गौरी ने झांसी, समाना और मेरठ, अलीगढ़ पर भी अधिकार करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इन सब पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। एक और युद्ध है इनका, 1194 में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक थे जयचंद, उनको हराया था। इस विजय के पश्चात तुर्कों का नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक भी स्थापित हो गया था। गौरी का जो सबसे अंतिम अभियान है वो 1205 में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ। पंजाब की एक जाति थी खोखर, उनसे उनके विरुद्ध इनका अभियान हुआ। इनका यह आखिरी अभियान था। और 1206 में मोहम्मद गोरी ने पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया। और इस अभियान के दौरान ही पश्चिमी पाकिस्तान के पास गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी यहाँ पर गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का जो शासन है, उनके तीन गुलाम थे, ये कुछ गुलामों को साथ लाए थे। इन तीन गुलामों में यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने संभाला। तुर्की साम्राज्य को जो शासन है वो तीन गुलामों ने संभाला था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक वंश की नींव रखी, जिसे ममलूक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी अपने जैसे पूर्ववर्ती गजनवी की भांति एक महान सेनापति नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राजाओं से उसे कई बार पराजय झेलनी पड़ी, क्योंकि ये भारतीय राजाओं से कई बार हार चुके थे। राजनीतिक सुधारों में महमूद गजनवी से अधिक योग्य थे ये, गोरी जो थे महमूद गजनवी से अधिक योग्य थे राजनीतिक सुधारों में। महमूद गजनवी विजय और धन संग्रह में लगा रहा, लेकिन मोहम्मद गोरी एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए जो शताब्दियों तक स्थायी रहा, कई शताब्दियों तक बना रहा। यह राज्य दूसरे शासकों के अधीन संगठित हो गया और मोहम्मद गोरी के समय से लेकर यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक दिल्ली के सिंहासन पर सदैव मुसलमान शासक ही बैठे। ऐसा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया जो महमूद गजनवी नहीं कर पाए, वो मोहम्मद गोरी ने किया। मोहम्मद गोरी के साथ कुछ प्रसिद्ध संत आए थे, एक प्रसिद्ध संत आए थे शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, भारत आए थे ये। और मोहिउद्दीन चिश्ती ने भारत में एक संप्रदाय की स्थापना की थी, चिश्ती संप्रदाय, जिसका नाम था चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक ओर तो कलमा खुदा रहता है और दूसरी ओर जो देवी लक्ष्मी है उनकी आकृति हमें बनी मिलती है। जो मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्के चलवाए, उनके सिक्कों पर एक तरफ कलमा और एक तरफ लक्ष्मी की आकृति हमें मिलती है। ये हमारा जो गोरी हमने आज पढ़ा, गोरी का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और जो कई शताब्दियों तक ये साम्राज्य यहाँ पर स्थायी रहा। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो इनके गुलाम थे। इस टॉपिक के बारे में
जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही।